चीन ने भारत पर लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके में सड़क निर्माण परियोजना को शुरू करने को लेकर निशाना साधा है। भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि भारत ने चीन सीमा रेखा पर सड़क बनाने की परियोजना को अनुमति देकर अपने चेहरे पर खुद थप्पड़ मारा है। इससे साबित होता है कि भारत कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कुछ समय पहले भारत ने चीनी सड़क निर्माण को यह कहते हुए रुकवा दिया था कि यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसके बाद डोकलाम में चीन को सड़क निर्माण रोकना पड़ा था। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारत की बातों में विरोधाभास है, दोनों देशों की सीमाओं को रेखांकित नहीं किया गया है, दोनों देश सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। इन हालात में भारत का लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण करना शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं है। विदेश मंत्रालय ने लद्दाख में पेंगोंग झील में नई सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने मार्समिक लॉ से हॉट स्प्रिंग तक एक स्टैंड अलोन रोड प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद BR-19 परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह वही जगह है जहाँ पिछले हफ्ते भारत चीन के सैनिकों की भिड़ंत हुई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच पेंगोंग झील पर भिड़ंत हुई थी। यह जगह 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां सांस लेना भी मुश्किल है। सर्दियों में यहां तापमान -45 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यह इलाका लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तर पश्चिम सिरे से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत चीन के साथ लद्दाख में 700 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। इस सीमा रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है और यह पूरा इलाका दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है।